छत्रपति साहू जी महाराज में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ब्रजेश कटियार जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, इस पेंटिंग एग्जीबिशन का क्या उद्देश्य था? बच्चे अपना जो साल भर वर्क करते हैं तो ये एक्चुअली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उससे पहले पूरा वर्क डिस्प्ले करते हैं कि आम लोग भी जो कला से जुड़े हुए हैं, कला को देखना चाहते हैं, वो समाज में क्या हो रहा है उन प्रदर्शनों एग्जीबिशन में पेंटिंग के माध्यम से समझ पाए जाते हैं। वार्षिक एग्जीबिशन है ये? हाँ, वार्षिक कला प्रदर्शनी है। अच्छा, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को आप जनरल फाइन आर्ट्स के क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जो वर्क हो रहा है उसमें किसी समय हर देश की एक अलग कला की पहचान होती थी, आज भी पूरे विश्व में जितने संचार के माध्यम बने हैं, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना संभव हो पाया है, तो आज कला किसी देश विशेष से न जुड़ के सार्वभौमिक रूप में विकसित हो रही है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि कला और संस्कृति में आधुनिकता का युग भी दिख रहा है, डिजिटलाइज इंडिया का भी युग दिख रहा है और उसका असर पेंटिंग्स में भी आता है। संदेश ये है कि जो लोग साल भर मेहनत करते हैं, सीखते हैं, लकीर बनाना सीखते हैं, कलर बनना सीखते हैं, उसका ये प्रदर्शन है और उसको लोग सराहते हैं और एक पोटेंशियल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन में आते हैं, अच्छे मार्क्स, अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए इस यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। इस शुभकामनाओं के साथ मैं सुमन मिश्रा, कैमरा मैन अश्विन मिश्रा के साथ, न्यूज़ यूके के लिए खबर कुछ अलग सी, पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया।